लेके चलेंगे आगे राजाओं की बावली। राजाओं की बावली इसलिए कहा जाता था इसको, मतलब राजाओं मतलब मिस्त्री की बावली, जो राजमिस्त्री हुआ करते थे उनकी बावली। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर जाने का रास्ता। ये देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है किसी छोटी सी पहाड़ी पे एक छोटा सा घर बना रखा है। तो आज हमें यहाँ आने पर देर हो गई शायद, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा रास्ता सुनसान है, सन्नाटे भरा। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे कितना अंधेरा सा है, मतलब आज हमें आने में यहाँ पर देर हो गई है, तो अंधेरा हो गया है, फिर भी हम आपको लेके चल रहे हैं और दिखाते रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे, देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, देख रहे हैं आप किस तरीके से ये पूरा जंगल है, पूरा सुनसान रास्ता है, सन्नाटेदार रास्ता है। ये देखिए थोड़े लोग बाग नज़र आ रहे हैं, तो उनसे हिम्मत भी बन रही है तब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, वरना तो अकेले में तो यहाँ पर हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि पूरा सुनसान है। ये देखिए दूर दूर तक जंगल है, ये देखिए दूर दूर तक, दूर दूर तक, दूर दूर तक जंगल है। ये देखिए पूरा घूम कर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा जंगल है। दोस्तों देखिए फाइनली अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ये राजाओं की बावरी कही जाती है। देखिए ये जो है, जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये द लोधीज टॉम्ब है, लोधी टॉम है ये। वैसे इसको बंद कर दिया गया है, देखिए इसके बारे में ये लिखा हुआ है, देखिए जूम करके बताता हूँ, ये लिखा हुआ है, स्तंभों पर बनाया मकबरा काफ़ी बड़े क्षेत्र में स्थित है, नींव के कोनों पर अर्ध अष्टभुजाकार बुर्ज है, मकबरे की पूर्वी दिशा में बनी छतरी इस प्रकार की एक अन्य इमारत के अवशेषों की कहानी कहती है। ये देखिए लोधी टॉम लिखा हुआ, ये देखिए ये लोधी टॉम है, जो कि अब कोरोना के बाद से बंद कर दिया गया है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है राजाओं की बावड़ी। ये देखिए, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अब राजाओं की बावरी की तरफ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मेरे पीछे इस साइड लोधीगम टॉम है। दोस्तों देखिए ये अंदर जाने का रास्ता वैसे तो बंद है, पर हम कोशिश करते हैं चोरी छुपे जाने की यहाँ पर अंदर। देखिए कितना सुनसान रास्ता है, मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि यहाँ पर अकेले ना आएँ, साथ में किसी का आएँ। ये देखिए मैं अंदर, ये दो छोटी कब्रें हैं, मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको अंदर से ले आके दिखाऊंगा। बनाइयो
दोस्तों देखिए, मैं चोरी छुपे इस दीवार पे चढ़ गया हूँ। अब मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। ये रास्ता बंद है, इसे राजाओं की बावड़ी कहा जाता है। ये वैसे तो सब कहते हैं एक हॉन्टेड प्लेस है। ये देख रहे हैं आप मेरे नीचे, मैं छत पे चढ़ गया हूँ इसकी। ये देखिए मेरे पीछे, देखिए ये देखिए, ये है ना, ये देख सकते हैं। मैं इसकी छत पे चढ़ के घूम रहा हूँ और बाकी का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों मगरिब की अजान हो चुकी है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलते हैं यहाँ पर ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ जिन्नात वगैरह का साया है। दोस्तों इस दुनिया के अंदर इंसान जिन्नात ऊपर वाले ने दोनों को ही बनाया है, तो मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। आप मानते हैं नहीं मानते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वो पानी है, ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। ये नीचे तहखाने बने हुए हैं पूरे, ये देखिए। यहाँ चढ़ना आना अलाउ नहीं है, बंद है पूरा ये, लेकिन मैं चोरी छुपे फिर भी चढ़ गया हूँ। मैं दीवार पे चढ़कर आया हूँ और मुझे ये डर लग रहा है कि कोई मुझे आके टोक ना दे कि भाई तुम यहाँ ऊपर कैसे चढ़ गए। ये राजाओं की बावरी है, ये पूरी सुनसान है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, देख सकते हैं आप। ये ऊपर छत पे मैं गेट के ऊपर चढ़कर आया हूँ। ये इसके नीचे जाने का रास्ता है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, और ये इसके अंदर का रास्ता है, ये इसके ऊपर छत पे जाने का रास्ता है। यहाँ से ये छत पे जाया जाता है और अंदर ये एक मस्जिद होगी, मस्जिद का मेंबर है, देख सकते हैं आप। ये देखिए वो सीढ़ियाँ जो बनी हैं वो मस्जिद का मेंबर है। ये देखिए यहाँ पर एक कब्र है उसी वक्त की, देखिए मेरे पीछे ये कब्र है, ये उसी टाइम की कब्र है। ये देखिए, ये पूरा कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, ऐसी सुनसान सन्नाटेदार जगह है। ये देखिए, देखिए मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। देखिए ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं मेरे पीछे, देखिए बिल्कुल जंगल सन्नाटा, दूर दूर तक कोई इंसान कोई नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए दोस्तों, मैं बाहर आ चुका हूँ क्योंकि रात होने वाली है और यहाँ से फिर मुझे निकलना भी है। ये देखिए, ये वो लोधी का टॉम जो मैंने दिखाया था, और मैं वो जगह दिखाता हूँ आपको जहाँ से मैं चढ़ा था ऊपर। ये पूरा गेट बंद है, मैं दीवार गेट के ऊपर से चढ़ा था दीवार फांद के। ये देखिए यहाँ लॉक लगा हुआ है, और ये जहाँ पर मैं अभी ऊपर चढ़ा था, ये देखिए ये वो जगह है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी अभी, देख रहे हैं आप। ये देखिए ये मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाया था, ये पानी भरा हुआ है, इसी की छत पे मैं वहाँ पर टहल रहा था और नीचे से मैंने आपको ये दिखाया था पानी। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जो जा रही हैं, ये देखिए, ये देखिए इसकी छत पे मैं चढ़ा हुआ था, देख रहे हैं दोस्तों।
ये पूरा इसका, ये राजाओं की बावरी कही जाती थी, और इसके पीछे लोधी का मकबरा बनाया हुआ है ये रहा। तो अब हम बाहर का रास्ते पर हैं, अंधेरा हो चुका है हल्का हल्का, अब हमें निकलना भी है बाहर। दोस्तों अब हम इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं क्योंकि रात हो गई है, अब हमें निकलना भी है। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस ब्लॉग को पसंद कीजिए, अपना प्यार दीजिए। दुआओं में याद रखना दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल।